हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंच का पास्ट टेंस पासे कंपोसे बताऊंगी, इसको कैसे कंजुगेट करते हैं। ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, ये उस कंडीशन में यूज़ होता है जो हैव एक्शंस स्टॉप हो चुके हैं, फॉर स्टॉप्ड एक्शंस। Actions that have stopped, has stopped. जो काम रुक चुके हैं, अब दोबारा वैसा काम, वो काम हो नहीं रहा या होने नहीं वाला, जो हम पहले कर चुके हैं, उसके लिए पासे कंपोसे यूज़ होता है। पासे कंपोसे के दो टाइप्स में दो ऑक्सिलर लगते हैं इसमें, अवोआर ऑक्सिलर एंड एत्र ऑक्सिलर। अवोआर ऑक्सिलर एथ्र ऑक्सिलर, अवोआर टू हैव, एथ्र टू बी फॉर्म। सो इसमें प्रेजेंट टेंस ऑफ अवोआर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस ऑफ अवोआर क्या है? ज, जय, त्यू आ, जय, त्यू आ, इल आ, एल आ, नूज, आवो, वूज, जावे, इल्जोंत, एल्जोंत। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर फेमिनिन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुल प्लूरल, थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल एल्जोंत। सो ये तो है हमारे प्रेजेंट टेंस ऑफ अवोआर। तो इसमें हम जो मैक्सिमम वर्ब्स हैं उसके प्रेजेंट टेंस ऑफ, उसके साथ में अवोआर ऑक्सिलरी यूज होता है। एथ्र ऑक्सिलर सिर्फ मूवमेंट वर्ब्स में यूज होता है। एथ्र ऑक्सिलर सिर्फ मूवमेंट वर्ब्स में यूज होता है, मैक्सिमम वर्ब्स में अवोआर ऑक्सिलर यूज होता है। सो इसका तो हम इस ये तो लेते हैं प्रेजेंट टेंस, तो हम लेते हैं अवोआर का, और इसके साथ हम ऐड करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो भी मेन वर्ब है, जो भी हमारा एक्शन हो रहा हुआ है पास्ट में, जो भी एक्शन हमारा हुआ है वो वर्ब एक्सप्लेन करेगा एक्शन, और उसका पास्ट पार्टिसिपल लेना है। तो टेक्स्ट बुक्स में लिस्ट होती है, ये लर्न करनी है बच्चों को, लर्नर्स को, सबको ये ही लर्न करनी है। टेक्स्ट बुक में ये लिस्ट आती है, एक तो इरेगुलर वर्ब्स की ये लिस्ट है, ये सारी है आपको अवोआर का, यू, बुआर, प्यू, कुन्यू, ड्यू, इकरी, इते, फे, ड्यू, मोट, न, ने, उवैथ, प्यू, स्यू, वन्यू, व्यू, वुलू। ये हमारे इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हमको लर्न करने हैं। और रेगुलर वर्ब्स का जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है उसके बहुत सिंपल है। वो रेगुलर वर्ब्स में पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें फर्स्ट ग्रुप वर्ब है ई आर एंडिंग वर्ब्स, फॉर एग्जांपल पार्ले, शांते, इसके लास्ट में ये ई आर है। हमने प्रेजेंट टेंस में हमेशा पढ़ा है कि ये इसकी स्टेम होती है, ई आर ये एंडिंग है और ये इसकी स्टेम है। तो इस ई आर को हमें हटा देना है, और या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस आर को हटा के इस ई पे एक्सेंट लगाना है। इस आर को हटा दिया
और इस ई पर एक्सेंट लगा दिया तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल। फॉर ई आर एंडिंग वर्ब्स ई आर हटा के आर हटा के इस ई पे एक्सेंट लगाना है। शांते इसका आर हटाया ई पे एक्सेंट लगाया ये बन गया इसका पास्ट पार्टिसिपल। शांते टू सिंग पार्टले टू स्पीक ये तो रेगुलर फॉर्म्स हैं ई आर एंडिंग वर्ब्स में। और सेकेंड ग्रुप वर्ब्स आई आर एंडिंग वर्ब्स इसमें एग्जाम्पल हैं फिनी फॉर एग्जाम्पल फिनी। अब इसमें कुछ नहीं करना इसमें बस आर को हटाना है आर को आउट कर देंगे और ये बन जाएगा फिनी बस। नो आर इज रिट हियर फॉर पास्ट पार्टिसिपल ये है इसका पास्ट पार्टिसिपल। श्वाजी इसका आर हटा दिया श्वाजी श्वाजी श्वाजी। सो ये आई आर एंडिंग है ई आर एंडिंग में आर हटा के ई पर एक्सेंट लगाना है। आई आर एंडिंग में ओनली आर को स्किप करना है और यहाँ तक हमारा पूरा रहेगा ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल इन वर्ब्स का। थर्ड ग्रुप वर्ब्स हैं आर ई एंडिंग वर्ब्स अतौंद्र देसौंद्र। सो इसमें बस आर ई हटाना है और यू लगाना है सो इट बिकम्स अतौंद्यू देसौंद्यू। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। सो हमें एत्र अवर ऑक्सिलर में प्रेजेंट टेंस ऑफ अवर सपोज अतौंद्यू यू ले जय लिया जय अतौंद्यू जय अतौंद्यू त्यू आ देसौंद्यू। Il a parlé. Elle a parlé. So, इसमें कुछ नहीं करना बस present tense of avoir लेना है subject pronoun और noun plus present tense of avoir plus past participle। तो ये हमारा हो गया पासे कंपोजे फॉर्म उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो एक्शंस पास्ट में हुए हैं और जो एक्शंस स्टॉप हो चुके हैं। आज दिन भर में हम जो एक्शंस करे हैं मैंने सुबह से उसके लिए मैं पासे रेसोंट यूज़ करूँगी। पासे रेसोंट यूज़ करूँगी उसके लिए मैं। सो पासे कंपोसे इज यूज फॉर एक्शंस दैट हैज स्टॉप्ड। सो इसको जैसे अगर मैं आपको कुछ करके दिखा देती हूँ सपोज अवुआर ही हमने आई हैव हैड आया जैसे आई हैव हैड का जो फॉर्म है उसको अवुआर में जैसे इल आ इल आ ले लिवर इल आ ले लिवर। अब हमें ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये तो हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा इल
अभी हमारा इसमें अवुआर वर्ब है, प्रेजेंट टेंस ऑफ अवुआर है, ये सेंटेंस ही प्रेजेंट टेंस है, ई आर लिव्ड, ये सेंटेंस ही प्रेजेंट टेंस है। तो अब हमें इसी को पासे कंपोज़ में करने के लिए, तो ये तो हमारा रहेगा ईल के साथ में प्रेजेंट टेंस ऑफ अवुआर आया आ, और ये अवुआर का पास्ट पार्टिसिपल होता है यू, ईल, आ, यू, लिव्ड। ब्यूवो नू, ब्यूवो द्यूते, ये वर्ब हैं, बुआ मीन्स टू ड्रिंक, सो हमें इसको पासे कंपोसे में करना है। तो न्यू न्यू के साथ में अवोवार ऑक्सिलर आया, उसके न्यूज आवो, बुआ बुआर का पास पार्टिसिपल होता है ब्यू, नू जावो ब्यू ड्यूते, नू जावो ब्यू ड्यूते। अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म, इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे होगा? इंटरोगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाना। सो हमें इन्वर्जन करना है तो सिर्फ अवुआर का इन्वर्जन होगा, ये तो यहीं रहेगा, आवो नू ब्यू ड्यूते, आवो न्यू ब्यू ड्यूते। नेगेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म, अब इसी का हम लेंगे तो हमें न और पा वो इधर ही लगेगा, ऑक्सिलर के साथ ही लगेगा, जो भी कुछ होगा चेंजेस भी होंगे ऑक्सिलर में ही होंगे, उसकी पोजीशन चेंज होगी इंट्रोगेटिव फॉर्म में तो वो ऑक्सिलर में होगी, नो ना आवो पा ब्यू द्यूते, नू ना आवो पा ब्यू द्यूते। सो दिस इज द मेथड ऑफ कंजुगेटिंग वर्ब्स इन पासे कंपोसे। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए आपको अवुआर के साथ ही आगे पीछे न पा लगाना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म करने के लिए इन्वर्जन करेंगे या जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो इसी अवुआर ऑक्सिलर में ही होंगे, ये पोजीशन इनकी चेंज नहीं होती है, ये पोजीशन सेम यही रहेगी, मेन वर्ब जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं होगा, हमेशा जो भी डिस्टरबेंस होगा जो भी चेंजेस होंगे अवुआर ऑक्सिलर में होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया पासे कंपोसे फॉर्म विथ अवुआर ऑक्सिलर, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी पासे कंपोसे फॉर्म विथ एथ ऑक्सिलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।